हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो 2021 का दोस्तों एंट्रेंस टेस्ट हुआ है उसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों फिर एक रिजल्ट निकला है। तो दोस्तों जैसे इस रिजल्ट आ रहे हैं आपको इस चैनल पर सबसे पहले वीडियो मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कोई एंट्रेंस दिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जैसे रिजल्ट आएंगे आपको इस चैनल पर सबसे पहले वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों पीजी डिप्लोमा का रिजल्ट आया है दोस्तों, हम लोग देखेंगे पीजी डिप्लोमा में किस कोर्स का आया है दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा डिस्कस भी करेंगे पूरा डिटेल से, किनका फर्स्ट कटअप क्या है दोस्तों और किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद दोस्तों ये फर्स्ट लिस्ट निकला है, इसके बाद हम लोग सेकंड लिस्ट पे भी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि सिर्फ डिप्लोमा के रिजल्ट कितने दिन में आएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ आसिफ, आप देख रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम। दोस्तों जामिया मिल्लिया इस्लामिया से कोई भी रिजल्ट निकलता हो तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप अपने रिजल्टों को कैसे चेक कर पाओगे। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्स टाइप, तो आपको कोर्स टाइप पे सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। तो आपको कोर्स टाइप पे आप देख सकते हो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, पीजी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पीएचडी। तो दोस्तों ये सब पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। और अभी जो रिजल्ट आया है दोस्तों पीजी डिप्लोमा से, तो आपको पीजी डिप्लोमा पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही दोस्तों क्लिक कर लोगे तो आपको फिर स्क्रॉल करके आपके नीचे को जाना होगा। और दोस्तों जैसे नीचे को जाओगे तो आप यहाँ देख सकते हो कोर्स नेम, तो आपको कोर्स नेम पे सिलेक्ट करना होगा। और आप देख सकते हो कोर्स नेम पे भी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पर लिखा है पीजी डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग। तो दोस्तों आपका पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, तो आपको पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। और दोस्तों आपको इसको करके नीचे को जाना होगा। और जैसे नीचे को जाओगे दोस्तों, और आप यहाँ देख तो ये कैप्चर दिया हुआ है दोस्तों, इस कैप्चर को दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे जाओगे और आपको इस कैप्चर को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। आप देख सकते हो इंटर कैप्चर, इसमें फिल करोगे, आप देख सकते हो पहले से फिल किया गया है। और इसके बाद आपको दोस्तों इस सर्च बटन पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे नीचे में आपका रिजल्ट शो करने लगेगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है कि ये कितने लिस्ट है अभी, ये फर्स्ट लिस्ट है दोस्तों। और यहाँ पर कोर्स नेम दिया हुआ है दोस्तों, और यहाँ पर डेट दिया है कि किस डेट को ये लिस्ट निकला है दोस्तों। और आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर रिमार्क, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट और एंड वेटिंग लिस्ट। तो दोस्तों आपका वेटिंग लिस्ट भी है। और आपको यहाँ पर व्यू पे क्लिक करना होगा दोस्तों। व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो आपका रिजल्ट डाउनलोड हो गया। और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, और यहाँ पर कोर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का है दोस्तों, और ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया का है दोस्तों। और ये 2021-22 सेशन का है दोस्तों। और यहाँ पर जिस डेट को निकला है यहाँ पर डेट दिया गया है दोस्तों। तब हम लोग देखेंगे कि इनका एडमिशन कराने का किस डेट को दिया गया। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि डिप्लोमा का रिजल्ट कब तक से आएंगे सिर्फ, और हम लोग देखते हैं इसमें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखते रहें। और दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर इनका डेट दिया गया है 12 अक्टूबर टू 13 अक्टूबर, आपको सिर्फ 2 दिन एडमिशन के लिए डेट दिया गया है दोस्तों। आपके पास देख सकते हो अच्छे खासे दिन है, यहाँ पर 30 से 12 अक्टूबर, यानी आपको 11 डेज है आपके पास। और हम लोग देखेंगे दोस्तों कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना होगा। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे क्यों जाओगे, और जैसे नीचे क्यों जाओगे, और आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट शुड बी डाउनलोड एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना होगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो दोस्तों मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि आप एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करोगे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड करोगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप दोस्तों जाकर देख लेना। आप सेकेंड नंबर पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर लिखा है प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विथ द ओरिजिनल मार्कशीट, आपको ओरिजिनल मार्कशीट के साथ जाना होगा दोस्तों। और हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर पे दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो प्रूफ ऑफ यहाँ पर लिखा है प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ द हाई स्कूल, आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, यानी क्लास 10th का दोस्तों आपको सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। और आप फोर नंबर पर दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर लिखा है प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, आपको एड्रेस के लिए वोटर आई डी कार्ड भी ले जा सकते हो, चाहे पासपोर्ट है तो आपके पास ले जा सकते हो, या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, इन चारों में से आप कोई भी ले जा सकते हो दोस्तों। और 5 नंबर से और 8 नंबर तक आप दोस्तों देखोगे तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए है, सॉरी कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए है। और आप यहाँ देख सकते हो अगर मुस्लिम ओबीसी से हो, चाहे एसटी कैटेगरी से हो, चाहे जम्मू कश्मीर कैटेगरी से हो, चाहे आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो, तो दोस्तों ये सब कैटेगरी आपको हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। अगर आप जनरल से हो दोस्तों तो आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट,
तो दोस्तों 9 नंबर पर आप देख सकते हो यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट द लास्ट स्टैंड, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर 11 नंबर पर दोस्तों ये सब है आपका। और इससे पहले आप देख लो यहाँ पर 10 नंबर यहाँ पर लिखा है सर्टिफिकेट फ्रॉम द MBBS डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए आपका लेके जाना होगा दोस्तों। 11 नंबर देख सकते हो ये सब आपका गैपिंग का है, तो आपको एफिडेविट भी बनवाना पड़ेगा अगर आपका गैपिंग है तो। और 12 नंबर भी देख सकते हो एफिडेविट फॉर द, ये सब आपका डॉक्यूमेंट है गैपिंग के लिए, आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। तो दोस्तों एफिडेविट आपका जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 7 नंबर गेट पे आपको बन जाएगा, आपको कोई इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसका कटअप क्या गया है, आपका स्कोर करके नीचे को जाओगे दोस्तों, और जैसे नीचे के जाओगे तब यहाँ देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कैटेगरी वाइज कटअप, यहाँ पर पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हो सीरियल नंबर सिलेक्शन कैटेगरी और कट ऑफ मार्क्स, यहाँ पर जनरल का है 57.50, मुस्लिम का है 51.50 और सॉरी जनरल का है 57.50 और मुस्लिम का है 51.50, और मुस्लिम ओबीसी का है 47.75 और मुस्लिम वोमेन का है 46.50 और जे के यानी जम्मू कश्मीर का है आपका 29.50। तो दोस्तों ये रहा आपका ये 2021 का कट ऑफ रहा दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे कि जनरल में कितने बच्चे का सिलेक्शन हुआ और मुस्लिम में कितने बच्चे का हुआ, मुस्लिम ओबीसी में कितना हुआ, मुस्लिम वोमेन में। तो दोस्तों हर एक कैटेगरी में देखेंगे कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों आपको इसको करके नीचे की ओर जाना होगा, और जैसे नीचे की ओर जाओगे दोस्तों तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट और यहाँ पर कैटेगरी। तो दोस्तों ये जनरल का है कैटेगरी, यहाँ पर कोर्स नेम दिया हुआ है, और आप देख सकते हो यहाँ पर सीरियल नंबर एप्लीकेशन आई डी रोल नंबर। और जैसे नीचे की ओर जाओगे दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर 15 बच्चे का ये सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट लिस्ट में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, और जैसे नीचे को जाओगे दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो मुस्लिम, यहाँ पर कैटेगरी चेंज हो गया, यहाँ पर मुस्लिम का है दोस्तों 9 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, ये फर्स्ट लिस्ट है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड लिस्ट के लिए, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि डिप्लोमा करियर कितने दिन में आने का चांस है। तो आप जैसे नीचे को जाओगे दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कैटेगरी मुस्लिम ओबीसी, आप देख सकते हो 3 बच्चे का इसमें भी सिलेक्शन हुआ है। और अब फिर दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी आपको स्कोर करके नीचे की ओर जाना होगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मुस्लिम वोमेन का है और जेके जम्मू कश्मीर का है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों सेकेंड लिस्ट के लिए आपको स्कोर करके नीचे की ओर जाना होगा, जैसे ही जाओगे दोस्तों और आप यहाँ देख सकते हो वेटिंग लिस्ट। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि जो सेकेंड लिस्ट आएगा तो जिनका वेटिंग लिस्ट में नेम है उन्हीं का सेकेंड लिस्ट में आएगा नेम। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कैटेगरी है जनरल का, तो दोस्तों इसमें भी हर एक कैटेगरी का वेटिंग लिस्ट है, यहाँ देख सकते हो जनरल का है, और जनरल में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि कितना वेटिंग लिस्ट है, आपको इसको करके नीचे की ओर जाना होगा। और जैसे नीचे को जाओगे तो आप यहाँ देख सकते हो जनरल का ही है 30 बच्चे का वेटिंग लिस्ट में दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट होगा कैटेगरी का, आपको इसको करके जाओगे तो आप यहाँ देख सकते हो मुस्लिम का, यहाँ पर कैटेगरी चेंज हो गया दोस्तों, ये मुस्लिम का है, और यहाँ पर देख सकते हो सीरियल नंबर एप्लीकेशन आई डी रोल नंबर, इन्हीं लोग का ये वेटिंग लिस्ट है दोस्तों। जो सेकेंड लिस्ट में आएगा तो इन्हीं में से नए आएंगे हर एक कैटेगरी से, आप देख सकते हो ये मुस्लिम का हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे नीचे जाओगे तो मुस्लिम ओबीसी एसटी का हो गया, यहाँ पर मुस्लिम वोमेन का हो गया। और दोस्तों जैसे नीचे कर जाओगे तो आप यहाँ देख सकते हो पेज ख़त्म हो गए, ये बस मुस्लिम वोमेन तक ही वेटिंग लिस्ट। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं डिप्लोमा, तो दोस्तों पीजी डिप्लोमा के रिजल्ट ही अब आना स्टार्ट हो गए हैं, 2-3 कोर्सों का रिजल्ट आ गए हैं। तो दोस्तों डिप्लोमा के लिए भी आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाले हैं, आप लोग सिर्फ और 2-3 दिन वेट करो, पूरा चांस है दोस्तों कि आपका भी रिजल्ट आ जाएंगे। तो दोस्तों जैसे रिजल्ट आएंगे आपको इस चैनल पर सबसे पहले वीडियो मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों एडमिशन के समय जो जो प्रोसेस होता है मैंने इसके लिए अपने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप दोस्तों देख लेना। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।